देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार की बात आती है तो जो इल्ज़ाम लगाता है उसी को हिरासत में ले लिया जाता है और ऐसी ऐसी धाराओं में उसको हिरासत में लिया जाता है जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना से उसको फंसाया गया है। अगर उसने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी से हमारा निवेदन है कि सबसे पहले प्रमुख सचिव को उनके पद से हटाएं अगर वो निष्पक्ष जांच कराना चाहते हो। नहीं तो जिस तरह से बाकी जांचें भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रही हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भागे जा रहे हैं, उसी तरह हमें लगता है कहीं ना कहीं गोयल साहब भी, जिस तरह से उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ है, बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, हमें लगता है कहीं ना कहीं वो भी इससे बच जाएंगे और गरीब आदमी फिर से फंसेगा जिसने साफ साफ राज्यपाल को लिख के दिया है कि इतना इतना पैसा हमसे मांगा गया था।